आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न डोसा। स्वीट कॉर्न डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए डोसे का घोल, स्वीट कॉर्न, महीन कटा हुआ प्याज, महीन कटा हुआ टमाटर, महीन कटी हुई धनिया पत्ती, महीन कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टेबल स्पून मक्खन, 1 स्लाइस चीज, रिफाइंड तेल आवश्यकता अनुसार, नमक स्वादानुसार। और इसे बनाना कैसे मैं आपको बतला रही हूँ। गैस पे हमने एक तवा रख दिया है नॉन स्टिक गर्म करने के लिए। अब उसमें हम ये डोसे का जो घोल है डालेंगे। डोसे का घोल या तो आप बाजार से खरीद लें वरना आप घर में बना लें। घर में बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 कटोरी चावल या 3 कप जो भी आप बोलें, एक एक जैसा ही बर्तन यूज करें। उसमें आप 3 कटोरी चावल लें और 1 कटोरी उड़द की दाल। देखिए इसको 2 करछुल मैंने डाला और इसे करछुल से ही मैंने फैला दिया। पूरा चारों तरफ 2 करछुल आप भर के डालिए और उसे फैला दीजिए। यदि आपका तवा छोटा है तो आप अपने हिसाब से आप इसका घोल डालिएगा, नहीं तो डोसा मोटा हो जाएगा। देखिए तो बिल्कुल हमें करछुल से ऐसे नीचे से इसे फैला देना है। गैस की आंच को हम थोड़ा तेज कर देंगे। अभी मैंने तवा तेज गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने धीमी की थी। अब मध्यम आंच में देखिए डोसे को सिकने के लिए छोड़ देंगे। मैं आपको क्या बतला रही थी डोसे के लिए, देखिए मैंने इस कप से 3 कटोरी चावल लिया था और 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल। दोनों को अलग अलग भिगो दीजिए 5 से 6 घंटे और उसे पीस के ढक के रख दीजिए। यदि गर्मी है तो 5 से 6 घंटे में आपका खमीर उठ जाएगा और ठंड है तो 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। देखिए जब तक डोसा ये सीकेगा तो हम उसके ऊपर अब हल्का सा डालेंगे चारों तरफ रिफाइंड तेल। गैस की आंच को हम मध्यम ही रखेंगे ताकि डोसा आराम से धीरे धीरे क्रिस्पी होता रहेगा। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें महीन कटा हुआ प्याज, अब डालेंगे महीन कटा हुआ टमाटर। इस तरह से हमको चारों तरफ से फैला के डालना है, नहीं तो ये एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। अब हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को आप पहले 2 मिनट पानी में उबाल कर छान लीजिएगा, तब बनाइएगा, इसमें डालिएगा। देखिए स्वीट कॉर्न हमने 1 बड़े चम्मच भर के डाला है। इसमें स्वीट कॉर्न की मात्रा सबसे ज्यादा रहेगी तभी डोसा खाने में टेस्टी लगता है। अब हम डाल देंगे इसमें महीन कटी हुई धनिया पत्ती, महीन कटी हुई हरी मिर्ची। इसमें मैंने 1 छोटा प्याज लिया था, 1 डोसे के लिए 1 छोटा प्याज, 1 छोटा पीस टमाटर और चाहिए होगा हमको 1 हरी मिर्ची। अब इसमें हम डालेंगे मक्खन। मक्खन को इस तरह से हम हल्का हल्का इसमें तवे में डोसे के ऊपर है ऐसे ऐसे हल्का हल्का करेंगे ताकि वो पिघल भी जाए और चारों तरफ अच्छे से लग भी जाए। पिघलते जा रहा और ये चारों तरफ अच्छे से लगते रहे और इसे अब हम चम्मच से हल्का हल्का दबा देंगे। और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। लेकिन प्याज और टमाटर स्वीट कॉर्न किसी भी चीज में नमक नहीं था, केवल मैंने घोल में ही नमक डाला था इसलिए टेस्ट अच्छा नहीं लगे। कि हल्का आप नमक डाल दीजिए। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक। यदि आपके पास चिली फ्लेक ना हो तो आप किसी भी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बस अभी इसमें अब हम डालेंगे चीज। चीज को भी हम डायरेक्ट ही इसमें कद्दूकस करके डालेंगे। 1 डोसे में ये अमूल का चीज है, पूरा 1 स्लाइस जो होता है पूरा पड़ जाएगा। ये डोसा खाने में जितना टेस्टी होता है उतना हेल्दी भी होता है। इसमें घी तेल बहुत कम मात्रा में लगा हुआ है। अब ये कम से कम सिकने में इसको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा।
देखिए 5 मिनट हो गया है और डोसा सिक गया है क्योंकि इसने चारों तरफ से देखिए बिल्कुल किनारा छोड़ दिया है। यदि आपके पास नॉन स्टिक तवा ना हो तो मैं आपको एक ट्रिक बतलाती हूँ। आप लोहे के तवे को गैस पे चढ़ा दीजिए और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालकर और एक प्याज को 2 टुकड़े में काट के और 1 टीस्पून यदि आप रिफाइंड तेल डालेंगी तो 3 से 4 चम्मच आप पानी डालिएगा और उसको प्याज से रगड़ कर उसका पानी सुखा कर टिश्यू पेपर से पोंछ दीजिएगा। फिर आप डोसा बनाइएगा तो उसमें भी आपका डोसा नहीं चिपकेगा। देखिए किनारा छोड़ दिया है और डोसा भी हमें लग रहा है सिक गया है। इसको हम हल्का सा पलट कर देखते हैं और आपको दिखलाते हैं सिका है कि नहीं। देखिए डोसा बिल्कुल अच्छी तरह क्रिस्पी हो गया है। अब इसे हम पलट कर दिखा देंगे। ये डोसा कितना सुंदर इसका कलर आया है और बहुत क्रिस्पी हुआ है। आपने मसाले वाले आलू के डोसे बहुत बनाए होंगे, आप इस डोसे को भी बना के देखिए कि कैसा लगेगा। देखिए अब इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये मैंने टमाटर की और लहसुन की चटनी बनाई थी। कृपया आप ये डोसा बनाइए। स्वीट कॉर्न वाला मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं आपको खोल के भी दिखलाती हूँ कि डोसा कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये डोसे का कलर और ये कितना सुंदर लग रहा है। गर्म बहुत है इसलिए मैं इसे हाथ से नहीं पकड़ पा रही हूँ। मैं इसे आपको पूरा खोल के दिखलाती हूँ कि देखिए डोसा कितना सुंदर लग रहा है। चटनी तो आप बना ही लेंगे,